डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। जनपद महाराजगंज के नगर पंचायत निचलौल अंतर्गत मदरसा अरबी आजीजिया मजहरुल वलूम में अलविदा जुमा की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अदा किया। आपको बताते चलें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह पाक महीना रमजान चल रहा है, जिसमें सभी महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा एक महीने का रोजा रखा जाता है। जिस महीने को रमजान कहा जाता है, इसी रमजान महीने के आखिरी जुम्मे के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मस्जिद में आखिरी अलविदा जुमा की नमाज ईद से पहले अदा की जाती है, जिसे अलविदा जुमा की नमाज कही जाती है। इस मौके पर निचलौल तहसील उप जिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा, निचलौल थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह, उप निरीक्षक अरुण कुमार के साथ साथ निचलौल थाने की पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मौके पर मौजूद रही। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए महाराजगंज ब्यूरो चीफ सगीर अहमद की रिपोर्ट। मेरा भी आप सामने रखते हैं तो ये नहीं कि उसके तरीके के साथ आप उसे खाते चले जाए। खरगोश खाते हैं तो उसकी मोटी सी चमड़ी को उतार देते हैं छिलके को, तब आप उसे इस्तेमाल करते हैं। केला खाते हैं तो उसके छिलके को आप उतार देते हैं। इसी तरह से छिलके वाले जितने फल होते हैं, जो आपके लिए नहीं है उसको उतार देते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, 100% नुकसानदेह साबित होगा। तरबूज के छिलके को आप खाएंगे, पेट में मरोड़ पैदा होगी, उलझन के शिकार हो जाएंगे। खरबूज के छिलके को आप खाएंगे तो आपके पेट में रोजा रखने के लिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने नुकसान से ही इस्तेमाल किया है। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।